तो चेकआउट कर लिया, अभी जा रहा हूँ आगरा पेट्रोल भरने के लिए। रुके के भाई मनोज भाई ने अंदर से रिक्शा देखो थोड़ी भर रहा है, दिखाया इतना अच्छे रोड से ताजमहल जाएंगे कोई भी खाने पीने। इधर मुंबई में भी इतने अच्छे रोड्स नहीं जितने यहाँ पे। ये है मीना बाजार, ये नोएडा फिल्म। एक्चुअली फ्लाइट तो मेरा मिस हो चुका है, तो फाइनली पहुँच चुके हैं मुंबई, आगरा में घूमने के लिए दिन बढ़ते चल। चलो तो अभी मैं निकला हूँ यहाँ से होटल से, यमुना एक्सप्रेस से जाएंगे राइट पवन पवन जी अब किधर, इधर से नोएडा से। आगरा की ताजमहल की यमुना एक्सप्रेस से हम लोग अभी जा रहे हैं। आगरा 184 किलोमीटर है और 3 घंटा बता रहा है। तो बहुत बार मैं ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा था, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए से देखेंगे। ये फर्स्ट टोल प्लाजा है अलीगढ़ 56 और लगने वाला है इधर, और अभी पेट्रोल भरने के लिए रुके हुए इधर यहाँ पे देखिए एमपी। पूछ लेता हूँ मैं गांव का नाम क्या है, कुछ भी बहुत अच्छे है इधर के। अभी मथुरा में तो इधर से फिर आगरा जाने के लिए और 2 घंटा लगने वाला है। वहाँ पे पेट्रोल पंप जो रहते हैं ना सेम बाहर जो अब्रॉड में जो रहते हैं सेम ऐसे रहते हैं। और गर्मी बहुत है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट इतनी है कि मुंबई से ज़्यादा गर्मी। चलिए बने रहिए इस व्लॉग में कम्प्लीटली, द एंड डेस्टिनेशन आगरा, फिर मुंबई की जर्नी शुरुआत होगी। थोड़ी भर रहा है दिखाया, शायद से कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर चला जाए। देखिए कैसे पेट्रोल डाल रहे, जैसे कि गाड़ी के अंदर आटा डाल रहे। सीएनजी की लाइन यहाँ पे बंद दिखा रही थी यार, इधर सीएनजी के बारे में बहुत बड़े नाटक रखते हैं यार इधर यहाँ पे हमारे मुंबई जैसा। वृंदावन ये आपकी गाड़ी है? नहीं मेरा, आपकी गाड़ी यार, आपकी गाड़ी दिखा देता हूँ मैं, आ जाओ। आगरा से? हाँ आगरा से। दूसरी लाइन चालू कर दी इन्होंने, कर दो यार इनके होने के बाद हमारा, कब से खड़े बहुत प्रॉब्लम है लेकिन यार लाइन टाइम बहुत ज्यादा है, लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है। लाइट नहीं आएगी तो कंप्रेसर कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा, जनरेटर बैकअप नहीं है? जनरेटर नहीं है यहाँ। अच्छा भाई मनोज भाई ने अंदर से रिक्शा देखो चलता फिरता ट्रक बना दिया आपने। ले 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 आप चाहे 92 रुपीज केजी। अभी जिस गेट पे मैं आपको उतारूंगा ना उसी गेट पे ही आकर के मुझे कॉल कर देना। ये आगरी टोल प्लाजा है, ये देखिए थोड़ा सा हाईवे के पास का एरिया है। फर्स्ट टाइम इन यूपी भाई, अपने फोटोग्राफर भी है। वो गाइडी आप पवन ठक्कर सर्च कर सकते हैं 9818534451। दिल्ली में अगर है और अगर फोटोग्राफी वगैरह आप कराना चाहते हैं इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है कानपुर लेफ्ट साइड में और आगरा सीधा है। तो ये जो लेफ्ट साइड आएगा ना यहाँ से रास्ता कट रहा है कानपुर के लिए और सीधा जाएंगे हम लोग आगरा के लिए। ये जो रोड जा रहा है वो कानपुर के लिए। कितने का टोल है? कितने का? 40 रुपए। तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लेंगे और ये सर्कल से हम लोग जाएंगे आगरा की तरफ, पता ना ग्वालियर की तरफ जाता है सीधा। ये हम लोग एंट्री कर चुके हैं आगरा में। देखिए अभी मुझे एरिया के नाम तो नहीं मालूम है मुझे यहाँ के, अभी मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ताजमहल जाएंगे, कोई भी खाने पीने का सामान अलाउड नहीं है। ओके okay. मोबाइल ले सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं। माय नेम इज मोहम्मद शाजिद, आई एम टूरिस्ट गाइड फ्रॉम लोकल आगरा। हम ताजमहल जाएंगे, खाने पीने को सामान अलाउड नहीं है, मोबाइल ले सकते हैं, कैमरा, मनी पर्स और आईडी कैरी कर लेना अपना, ठीक है? okay. और वाटर बॉटल, अदरवाइज खाने पीने कोई भी आइटम नहीं जाएगा। ठीक है सर। कितना टाइम लगेगा घूमने के लिए? अभी हमें ताजमहल के अंदर 1.5 घंटा लगेगा कम से कम। टिकट कितना है उसका?
टिकट टाइम से 250 का है जी। तो वहाँ से लेना पड़ेगा, लाइन में लग गई आपका? नहीं नहीं, मैं ले लूँगा लाइन में। तो मैं अभी निकला हूँ यहाँ से आगरा ताजमहल देखने के लिए, और गाड़ी मैंने इधर लगेज भी मैंने उन्हीं के अंदर डाला हुआ है। तो इधर से निकलेंगे, ऑटो ऐसे निकलेंगे। तो मेरे साथ में है मोहम्मद भाई, लोकल टूर बॉटल लिया हुआ है मैंने एक, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। आगरा का पेठा लेके जाएंगे मुंबई में। ये ताजमहल का है ईस्ट गेट, मशरिक का गेट, और इसको वीआईपी गेट भी बोला जाता है। तो मोहम्मद भाई हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे सब चेकिंग वगैरह हो चुकी है, और यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं लेके आए। कोई भी अगर सेल्फी स्टिक वगैरह है तो भी बाहर रखना पड़ता है। तो मैंने सारी चीज़ें रखवा दी है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हाथ में, सारी एक वॉलेट में, इधर एक बॉक्स में रखवा के फिर चेकिंग करा दीजिए, फिर अंदर आ सकते हैं। तो पास कितने चार्जेस वगैरह आप करा सकते हैं ना, अभी बुक करा देंगे तो बुकिंग जो होता है। वेलकम टू ताजमहल। जो पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को बोला जाता है फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया इसलिए बोलते हैं, ताजमहल में एंट्रेंस करने के फोर गेट, फर्स्ट है ईस्ट गेट, सेकेंड है साउथ गेट, थर्ड वेस्ट गेट एंड फोर्थ नॉर्थ गेट। यहाँ जाने फोर्थ गेट क्यों बनाया? एक गेट से भी एंट्री हो सकती है। फोर्थ गेट बनाने का एक रीज़न था, शाहजहाँ की थ्री वाइफ थी, फर्स्ट सरहंदी, सेकंड फतेहपुरी, थर्ड मुमताज। फर्स्ट वाइफ के लिए ईस्ट गेट बनाया, उनकी जो समाधि है कब्र इसी गेट के पीछे। सेकंड वाइफ के लिए वेस्ट गेट बनाया, उनकी जो समाधि है इस गेट के पीछे। दोनों वाइफ के लिए दोनों गेट बनाए ताकि उनको याद रखा जा सके। पीछे जो गेट है ना साउथ गेट, हाँ जी, इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट, ये वाला लास्ट वाला। हाँ, इसको लेबर कॉलोनी गेट इसलिए बोला जाता है, जो वर्कर इसके अंदर काम करते थे, 20,000 वर्कर एवरी डे वर्क करते थे, तो वर्कर लोग इसी गेट के पीछे रहा करते थे। तो यहाँ से एंट्री होती थी, यहाँ से एग्जिट करते थे। अब इस गेट को बंद रखा जाता है, इसे लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं। ये मेन गेट है शाही दरवाजा, ये वाला, इसको रॉयल गेट इसलिए बोला जाता है, शाही दरवाजा। इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे तो ताजमहल नजर आएगा। दोनों वाइफ के लिए दोनों गेट बनाए, ये मजदूर लोग के लिए बनाया, ये राजा लोग के लिए। और तीसरी वाइफ थी मुमताज, उनके लिए कोई गेट नहीं है, उसे लम्बे जो होता है उनकी याद में ताजमहल है। शाहजहाँ मुमताज की लम्बे थी, उनकी समाधि दोनों की ताजमहल के अंदर। ये टोटल 210 है, चारों तरफ पैसा। ये पहले मीना बाजार लगता था यहाँ पे जी, उसके लिए अभी गवर्नमेंट के अंदर से ओके। 22 ताजमहल को बनने में 22 साल लगाए, तो 22 दो मिला। के अंदर ताजमहल का ये देखिए, व्यू देखिए, माशाल्लाह कितना अच्छा है। महल बनना स्टार्ट हुआ था 1631, कंप्लीट हो गया 1653। 22 ईयर्स लगे तो ऊपर 22 डोम्स बनाए थे। 1653 में ये कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए क्या बनाया, 16 गार्डन्स। ये गार्डन्स देख रहे हैं आप, ऐसे 16 गार्डन्स हैं यहाँ पे पूरे एरिया में, और 53 फाउंटेन है। ओके, याद के लिए 1653 में ताजमहल कंप्लीट हुआ, तो 16 गार्डन्स, 53 फाउंटेन। अभी ये फाउंटेन इलेक्ट्रॉनिक लाइट से चलते हैं, अभी इसको पानी का सफाई हुआ इसलिए बंद कर दिए गए। और मुगल टाइम पे चलते थे, पीछे यमुना है, यमुना के प्रेशर से पानी लिया जाता था, लेजर के टैंक में भरा जाता था, उसके प्रेशर से चलते थे। आपने कुतुब मीनार देखा दिल्ली का? अंदर नहीं गए थे, बाहर से। उसका हाइट है 238 फीट, और ताजमहल का हाइट है 241 फीट। ये कुतुब मीनार से ऊंचा है। इसके ऊपर पहले गोल्ड लगा था, अभी मेटल है। इसके आपने पिलर देखे रहेंगे, वो पूरे 90 डिग्री में नहीं है, इसलिए क्योंकि इतने साल पहले एक अच्छे से इंजीनियरिंग की गई थी कि अगर कभी भूकंप आ जाए तो ये ताजमहल के ऊपर ना गिरे करके। ये है यमुना रिवर, जो कि ताजमहल के ठीक पीछे है। ओके, ये मुगल टाइम से आने जाने का मेन रास्ता इधर से ही था, यहाँ से। ये ताजमहल
अच्छा, कहीं से भी अलग नहीं है। तो वो रेड फोर्ट है सामने देखिए, ये वाला मैम रेड फोर्ट देख रहा है। शाहजहाँ ने वाइट ताजमहल मुमताज के लिए बनाया था, उसके बाद एक ब्लैक ताजमहल और बनाना चाहते थे अपने लिए, मुमताज के मकबरे के सामने अपने मकबरे सामने आप जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ, शाहजहाँ के छोटे बेटे थे औरंगजेब, औरंगजेब नहीं चाहते थे इतना पैसा और वेस्ट हो, जनता पर टैक्स बढ़ रहा था, तो औरंगजेब ने अपने फादर से मना कर दिया इस काम के लिए, तो उसका वर्क उसी टाइम पर रोक दिया और शाहजहाँ को रेड फोर्ट में रखा गया। ओके, अरेस्ट करके नहीं उनको वहीं रखा गया, उनको जगह दे दी, तो वह ताजमहल को शाहजहाँ वहीं से देखते थे मुमताज़ की याद में। ये देखिए ताजमहल का व्यू यहाँ से कितना अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैमरा सेल्फी स्टिक वगैरह मतलब कैमरा भी शायद अलाउड नहीं ना इधर, कैमरा अलाउड नहीं यहाँ पे, ऑथोराइज फोटोग्राफर से उन्हीं से आप फोटोज वोटोज ले सकते हैं, और सेल्फी स्टिक्स वगैरह लेके मत आइए, खाने की कोई भी आइटम्स भी अपने साथ में नहीं लाइए। अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, मोहम्मद भाई ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दिए, जैसे टोटल जो रूम्स हैं ना वो 210 रूम्स हैं ये। तो ताजमहल की टूर हो चुकी मेरी, अभी निकल रहा हूँ मैं टुवर्ड्स नोएडा। मेरे पास कॉल किया? हाँ तभी मैं मैसेज किया था ना, कॉल किया था। नहीं अभी कॉल तो मोहम्मद भाई, अरे घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाएंगे ठीक है। किधर? तोता बैठा दाल पर बुरा मत देना, टांगे में बैठने से पहले जरा मुस्कुरा देना। ये है मीना बाजार, यहाँ पे और सनसेट का देखेंगे आप, सनसेट में ऐसा कलर चेंज करता है। ये है इवनिंग का व्यू और जिस सनराइज देखेंगे अर्ली मॉर्निंग, ताजमहल का फ्लैग होता है ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने रखा है सर। इसके बाद आपको सेटिंग सेक्शन अंदर दिखा। तो मैंने यहाँ से अभी शॉपिंग की हुई मम्मी के लिए एक लेदर का और एक वाइफ के लिए, और इनका नाम है आगरा का रमादा इंटरनेशनल। तो आप तो महान इंसान है, मेरा बल्कि आप इंसान ही नहीं है, अरे महापुरुष है। आते टाइम पड़ा था 5 एक्चुअली, एक छोटा टोल लगा था 40 रुपए का, फिर इधर से चलो यार। एक खुशखबरी एक है कि मैं इधर आ गया हूँ रत्नागिरी में, मैं जब चला गया था फर्स्ट टाइम तो उधर बारिश चालू हो गई मेरे गांव में, अभी मैं लखनऊ में आया हुआ हूँ आगरा में, तो इधर भी बारिश चालू हो गई। देखिए कच्चा बादाम भी बिक गया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे लग चुके हैं। तो ये सेकंड टोल प्लाजा है, सेकंड टोल नाका है, टोल प्लाजा है, वहाँ पे वॉशरूम के लिए रुका था मैं, और इतना नीट एंड टाइडी क्लीन है ना, फर्स्ट टाइम कोई तारीफ़ कर रहा होगा यूट्यूब पे। पहली बात तो हाईवे भी इतना नीट एंड क्लीन है, और उसके बाद में रोड्स सारी चीज़ें हैं, मतलब इतना अच्छे रोड्स है ना, जैसे हमारे इधर मुंबई में भी इतने अच्छे रोड्स नहीं जितने यहाँ पे। खाने वाने का इंतज़ाम कुछ ले लेते हैं क्योंकि बीच में फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे मेनू है इसका फूड जोन करके है, सेकंड है सारे आइटम्स हैं, और आई होप कि ट्रैफिक नहीं मिले एयरपोर्ट पहुँचने तक। यहाँ पे मैं मैजिक फूड जोन है सेकंड नंबर टोल प्लाजा के बाहर लेफ्ट साइड में, उधर हूँ मैं। साहब पूना के ये एम्स है यहाँ पे, ये क्या है उधर साइड में ट्रॉमा सेंटर। तो जैसे बोर्डिंग वोडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, मैं शुक्रिया लेकिन आपका अगर इनके सुधार मिली तो यहाँ पे हो। ये
ये एरो सिटी यहाँ पे GMR एरो सिटी। जो आप होटल्स देखते हैं वो सारे यही हैं। JW Marriott दिल्ली का, यहाँ से 4 मिनट का रास्ता। थ्री एंट्री गेट, ये टर्मिनल 3 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। रैंप चढ़ेंगे ज़्यादा लेट हो चुके हैं अभी, और देखते हैं अभी लगेज के लिए बैग भी नहीं है मेरे पास अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा, लेकिन वैसे लगेज के लिए पेड किया हुआ है। एक्चुअली फ्लाइट तो मेरा मिस हो चुका है, नया टिकट लेना पड़ा मुझे अभी, तो अभी इंडिगो एयरलाइंस का नया टिकट लिया हुआ है T2 टर्मिनल। नया टिकट लेके अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे है 5 to 7 मिनट्स। पसीना देखो दिल्ली की ह्यूमिडिटी कितनी है। वो फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, और यहां से एग्ज़िट जाने के लिए है ये रास्ता, बट हमने एक फ्लाइट मिस किए विस्तारा एयरलाइंस का। अभी देखेंगे रिफ़ंड मिलता है कि नहीं करके।